हेलो दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV इंदौर का जो है नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म, है ना। तो क्या है अधिसूचना, लेट अस सी। ये अधिसूचना जो है 2nd February 2024 यानी आज का ही ये नोटिफिकेशन है। लेट अस सी व्हाट इज द नोटिफिकेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की BA, BSc, BHSc, BCom, BSW, BA पत्रकारिता एवं जनसंचार NEP वार्षिक पद्धति स्नातक तृतीय वर्ष की सत्र 2023-24 की नियमित तथा स्वाध्याय विद्यार्थियों की परीक्षाएं मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह में होना प्रस्तावित है ना। आपकी एग्ज़ाम जो है मार्च फर्स्ट वीक में होगी, जैसे कि ये एस्टिमेशन भी था। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन महाविद्यालय में प्रस्तुत करने एवं महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि एवं परीक्षा शुल्क विलंब शुल्क राशि निम्नानुसार जो है हमें दी गई है। तो हम डेट्स देख लेते हैं कि क्या है और इसका शुल्क कितना लगेगा एग्जाम फॉर्म का। तृतीय वर्ष परीक्षा आवेदन ऑनलाइन जमा करने की समय सारणी जो है हमें दी है। तो लेट अस सी कि क्या है। तो शुल्क विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है कि बिना विलंब शुल्क की यदि हम बात करें तो लास्ट डेट है 15th February तक जो है आपके फॉर्म भराएंगे। ओके, 15th February बिना शुल्क विलंब शुल्क यानी जो एग्जामिनेशन फीस होगी वही लगेगी। 15 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी बात करें तो ये महाविद्यालय के लिए है। ओके, विलंब शुल्क 100 रुपये सहित यदि आप विलंब करते हैं तो 17 तारीख लास्ट डेट रहेगी और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। फिर जो है 19 तारीख तक यदि हम उसके बाद फॉर्म भरते हैं तो एक्स्ट्रा जो है 750 रुपये लगेंगे। तो हमें विलंब बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें हमारी जो एग्ज़ाम डेट की फॉर्म भरने की जो डेट है उसी में ही हमें फॉर्म भरना है, दैट इज़ 15th February। लेकिन हम अपने लिए याद रखेंगे कि 14 फरवरी तक हमें फॉर्म कम्प्लीट करना है, क्योंकि लास्ट डे रहता है तो सर्वर इशू भी हो सकता है फिर इनकेस हमारा फॉर्म नहीं भरा तो आपको बिल्कुल 14th February तक जो है फॉर्म भर देना है। ठीक है, अब आगे देखें कि क्या दिया है। विशेष नोट जो है हमें दिया है तो इसको पढ़ लेते हैं। समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय के लॉगिन पर जाकर एग्जाम फॉर्म अप्रूव फॉर NEP कोर्स लिंक पर जाकर विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करेंगे। ये महाविद्यालय के लिए जानकारी है कि पहले महाविद्यालय को जो है वहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। उसके बाद सर्वप्रथम समस्त विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म सत्यापन एवं महाविद्यालय से कराएं, उसके उपरांत ही परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी पहले आपके कॉलेज से जो है रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कॉलेज से कांटेक्ट करिए ताकि जो है आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज टाइमली हो जाए। परीक्षा फॉर्म का सत्यापन महाविद्यालय से करने के उपरांत ही फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया एवं फीस भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। NAP स्वाध्याय विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भेजने से पूर्व महाविद्यालय से पंजीनी वगैरह जो प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हैं तो वो पहले जिस महाविद्यालय से वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम देंगे तो उनसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर जो है उन्हें वो आवेदन पत्र भेजना रहेगा। NEP स्वाध्यायी विद्यार्थी उसी महाविद्यालय से पंजीकरण कराएं जहाँ से वांछित विषय पाठ्यक्रम का नियमित अध्यापन होता हो और उपयुक्त विषय के शिक्षक उपलब्ध हो। यानी प्राइवेट फॉर्म्स जो भर रहे हैं उन्हें ये ध्यान देना है कि यदि वो जिस भी स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हैं BCom और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं या BA या जिस भी स्ट्रीम के वो फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें वो पर्टिकुलर कॉलेज में वो सब्जेक्ट है कि नहीं इसका ध्यान देना है और वहीं से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये तो हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। NEP स्वाध्याय विद्यार्थी उन विषयों का ही चयन करेगा जिसका उस महाविद्यालय में अध्ययन कराया जा रहा है। गलत विषयों का चयन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से विषयों का आवंटन किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ नोट दिए गए हैं जिसको हमने देख लिया। अब जो है एक बार हम फीस देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपका कितने में उसकी फीस कितनी है। तो क्रमांक जो है 2100 जो है सभी की है, 2100। तो BA, BCom, BSc, BHSc, BA पत्रकारिता एवं जनसंचार या BSW किसी की भी बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है 2100 रुपये लगेगा। फिर हम विलंब करेंगे तो 2200 और फिर उसमें नहीं तो 750 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो हमें देरी नहीं करनी है, टाइमिंगली जाना है, हमें अपनी लास्ट डेट 14th February याद रखनी है। ठीक है, आगे देखें स्वाध्यायी NEP प्राइवेट के लिए जो है यदि हम बात करें तो ये BA, BCom, BSc और इनका शुल्क जो है 2310 रुपये, कुछ पोर्टल के चार्जेस लग जाएंगे 50-100 रुपीज़ जो भी लगते होंगे और अदरवाइज ये आपकी फीस है। ठीक है, तो ये है हमारा नया नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द
फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। अब ओल्ड स्कीम में जो है प्राइवेट सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स उनकी भी एग्जाम है, तो वो नोटिफिकेशन भी हम एक बार देख लेते हैं। जो ओल्ड स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट्स हैं जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं या स्वाध्याय या पूरक परीक्षा प्राप्त एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है, लेट अस सी। तो ये अधिसूचना जो है इसको स्टार्ट करते हैं हम। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की स्नातक स्तर की सत्र 2023-24 की बीए बीएससी बीकॉम भूतपूर्व स्वाध्याय एवं पूरक प्राप्त, बीकॉम ऑनर्स सिर्फ पूरक प्राप्त, बीएचएससी सिर्फ पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की तृतीय वर्ष की वार्षिक प्रणाली ओल्ड कोर्स की परीक्षा आगामी माह 2024 में होना प्रस्तावित है। यानी जो एनईपी के अलावा जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, ठीक है, और जिसमें से भी भूतपूर्व स्वाध्याय और पूरक परीक्षा जो दे रहे हैं। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की एवं महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां और शुल्क जो है हमें दिया है, सेम जैसे अभी हमने देखा था वैसा ही कुछ हमें दी गई है। तो शुल्क विवरण, बिना विलंब शुल्क यदि हम फॉर्म भरते हैं तो लास्ट डेट क्या रहेगी, 14th of February। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम एक दिन पहले का ले लेते हैं, 13 तारीख तक हमें कैसे भी करके फॉर्म भरना है, आज 2 तारीख है, आप 13 तक उसको कंप्लीट करवा लीजिए। विलंब शुल्क 100 रुपीज़ सहित जो है 16 तारीख, और फिर 750 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप दे रहे हैं और वहाँ पे फिर आपको कुलपति महोदय जी की जो है परमिशन लेके जो है दिनांक 18 तारीख तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा विलंब शुल्क जिस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर जो है कुछ नोट दिया हुआ है तो नोट पढ़ लेते हैं क्या दिया है। प्राइवेट विद्यार्थी उसी महाविद्यालय से पंजीयन कराएंगे जो जहाँ वांछित विषय पाठ्यक्रम का नियमित अध्ययन कार्य होता है, यानी जहाँ पे वो सब्जेक्ट है वहीं से ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है उसी कॉलेज से। फिर महाविद्यालय द्वारा भेजे गए ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो ये महाविद्यालय के लिए जो है नोटिफिकेशन है, नोट दिया गया है। ओके, तो अब जो है हम शुल्क देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी कितनी लग रही है। तो एग्जामिनेशन शुल्क की यदि हम बात करें तो प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए जो है बीए बीकॉम बीएससी बीएचएससी इनके लिए जो है नामांकन रहित यदि हैं तो 2200 रुपये, दैट इज 2200 रुपीज़ चार्जेस लग रहे हैं, नामांकन सहित हैं तो 2300 रुपीज़ चार्जेस है, ठीक है। फिर पूरक परीक्षार्थियों के लिए यदि बात करें शुल्क की तो जो है 880 रुपये जो है आपके चार्जेस लग रहे हैं, फीस लग रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, दैट इज 14th of February एंड 15th of February फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स जो एनईपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और ओल्ड वालों के लिए जो है 15th। तो हमें ध्यान देना है कि हमें 13th-14th तक जो है अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके फॉर्म फॉर्मेलिटीज़ जो है कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। विद दिस थैंक यू।